तो आज मेरे पास ये आसूस का P5G41T-M LX3 रिवर्जन 1.01 मदरबोर्ड आया। तो ये किस लिए आया पता नहीं, मतलब इसमें नो डिस्प्ले या नो पावर का कुछ तो कंडीशन होगा, मैंने चेक नहीं किया और कस्टमर को भी पता नहीं। तो इसमें एक प्रोसेसर लगाकर चेक कर लेते हैं। एक रैम, ये G41 है इसलिए इसमें DDR3 की रैम लगती है। ओके, रैम को लगाएं। डायग्नोस्टिक कार्ड को लगा रहा हूँ, ऑन करता हूँ। ओके, यहाँ पर फ्रंट के पैनल का कनेक्शन ऑन किया। D0D09898D00 98, मतलब ये कोडिंग है ना, ये D52A। ओके, तो एक कोडिंग ना यही घूमती रह रही है फिलहाल, कोडिंग तो चेंज हो के वही सेम। यहाँ पर डिस्प्ले तो आना चाहिए था, एक बार इसे ऑफ करके कीबोर्ड पे डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है ये VGA से डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा होगा, एक बार इसे फिर से ऑन करता हूँ। ऑन किया, कोडिंग चेंज हो रही है। 98D52A। ओके, तो कोडिंग तो चेंज हो रही है, ये देखिए डिस्प्ले भी आ रहा है। एक बार VGA पे डिस्प्ले आउट करके देख लेते हैं। प्रोसेसर यहाँ पर एक, ओके फिर से ऑन कर रहा हूँ, कोडिंग फिर से चेंज हो रही है। फिलहाल डिस्प्ले नहीं है, कीबोर्ड पे भी और स्क्रीन पर भी डिस्प्ले नहीं है। ओके, तो कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है यहाँ पर। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये VGA केबल कनेक्टेड है, मॉनिटर भी ऑन है और यहाँ पर मॉनिटर पे डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर VGA सेक्शन का प्रॉब्लम होगा। ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले है पर हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं है, तो यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है ये VGA सेक्शन में। ओके, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या इश्यूज़ है। मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखा है मैंने, फिलहाल एक प्रोब को ग्राउंड कर रहा हूँ। तो पहले P नंबर 1 2 3 पे हम इम्पीडेंस चेक करेंगे, 124, ये भी सही दिखा रहा है। ओके, ये भी सही दिखा रहा है। ओके, उसके बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिंक का सिग्नल देखेंगे, ये भी सही दिखा रहे हैं, पर फिर भी हम एक यहाँ के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें चेंज करेंगे और देखेंगे। तो सब भी कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक तीन चार कंपोनेंट है। तो वैसे ही मेरे पास एक दूसरा वाला मदरबोर्ड है, तो ये मदरबोर्ड तो सेम नहीं है, ये G31 में आता है, ये 41 का है, पर फिर भी हम यहाँ के कंपोनेंट जो लगे हुए हैं वो चेंज करके यहाँ पे अदला बदल करके देख लेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट को ट्रेस आउट करना पड़ेगा इस वाले बोर्ड में और इस वाले भी। यहाँ पर सबसे पहले रेड ये रहा, इसका कंपोनेंट यहाँ पर है। इसके बाद ये भी यहाँ पर है, 3 नंबर पिन ये यहाँ पर, मतलब ये 3 है। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिंक का देख लेते हैं, यहाँ पर है, ये वर्टिकल सिंक का है और हॉरिजॉन्टल सिंक, हाँ ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिंक का ये 2 सिग्नल है,
और ये RYB, तो इस वाले बोर्ड में भी चेक कर लेता हूँ ताकि कंपोनेंट बदलने में आसानी हो। तो सबसे पहले RYB भी देख लेते हैं। ओके, ये वाला है। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। ओके, एक दो तीन मॉस्फेट, मतलब मॉस्फेट होते हैं, ये मिल चुके हैं। तो यहाँ पर ये, ओके, तो ये तीनों हम इस वाले तीनों से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर ये वाले दोनों इस वाले दो से रिप्लेस करेंगे, लास्ट वाले। तो फिलहाल हॉट गन को ऑन करने जा रहा हूँ, यहाँ पर फ्लक्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी। तो पहला वाला कंपोनेंट निकल चुका है, इसे यहाँ पर रख देता हूँ। और यहाँ पर RYB का R वाला वायर, मतलब पिन नंबर 1 का जो मॉस्फेट लगा हुआ है, वो निकाल रहा हूँ। फर्स्ट वाला मॉस्फेट निकल चुका है, इसे यहाँ पर रख रहा हूँ। ये वाला यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, फिलहाल हमने 1, 2, 3, एक दो तीन नंबर पिन से जो मॉस्फेट कनेक्टेड है उनको चेंज कर लिया। फिलहाल हमारे पास अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिंक का मॉस्फेट पेंडिंग है, तो उसे भी चेंज कर देते हैं। ओके,
तो ये फिलहाल आखिरी वाला मॉस्फेट है। तो सारे मॉस्फेट मैंने यहाँ के चेंज कर लिए, तो इसे थोड़ा देर कूल होने के लिए रख देते और चेक करते। तो बोर्ड ठंडा हो चुका है फिलहाल, इसे एक बार चेक कर लेते कि इसका वीजीए भी वर्किंग कंडीशन में है क्या नहीं, कि उसके वीजीए से कनेक्टेड जो भी मॉस्फेट होते हैं उनको मैंने चेंज कर दिया फिलहाल। तो इसे एक बार चेक करते हैं। इसे ऑन करने जा रहा हूँ, ऑन किया। ओके, तो मुझे लगता है हमने जो रिपेयर किया है वो सक्सेस हो चुका है, क्योंकि मेरा मॉनिटर का लाइट ग्लो कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर बोर्ड ऑन है और यहाँ पर देखिए मॉनिटर पे हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, जो कि पहले हमने जब चेक किया तो वो डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो यहाँ के मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ के जो भी कंपोनेंट्स थे उनको हमने चेंज किया और फिलहाल यहाँ पर डिस्प्ले आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आ रहा है। तो आज के रिपेयर में यही था कि हमारे कीबोर्ड में डिस्प्ले आ रहा था पर वीजीए पे नहीं आ रहा था, तो हमने वीजीए के नियर बाय जो भी कंपोनेंट्स थे उनको चेंज किया। फिर से एक बार रिस्टार्ट करके देख लेते हैं। रिस्टार्ट किया, यहाँ पर मेरी स्क्रीन है, यहाँ पर डिस्प्ले के लिए वेट करते, डिस्प्ले आ चुका है फिर से, ये देखिए। तो यही था आज के रिपेयर में। थैंक यू।